नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी डॉट कॉम में। मैं हूं प्रज्वल और वक्त हो चुका है इस वक्त की 20 बड़ी खबरों का। नई दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक, गुजरात और एमसीडी चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत रांची एयरपोर्ट पहुंचे, लोहरदगा में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिम्पल यादव कल मैनपुरी सीट से नामांकन कर सकती हैं दाखिल, मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई थी सीट। टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति पर शर्मनाक टिप्पणी, भड़की भाजपा ने मालदा में एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भाजपा का बड़ा हमला, पोस्टर जारी कर बताया लुटेरा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया बड़ा दावा, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को वोट देने वाले नेता बीजेपी में होंगे शामिल। राहुल की यात्रा ने महाराष्ट्र में लिया एक दिन का विराम, 14 नवंबर को वाशिम के लिए करेगी प्रस्थान। 7 दिन के नोटिस पर आहूत हो सकेगा यूपी विधानसभा का सत्र, नियमावली में 64 साल बाद संशोधन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडियाई सीनेट अध्यक्ष से की मुलाकात, संसदीय प्रणाली पर हुई चर्चा। सबरीमाला प्रबंधन को केरल हाईकोर्ट का निर्देश, कहा तीर्थयात्रियों के लिए उचित सुविधाएं सुनिश्चित करें। तमिलनाडु में कई शहरों में भीषण बारिश, बाढ़ का अलर्ट, बांधों के गेट खुले। दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार, आसमान में छाई धुंध, बहुत खराब श्रेणी में दर्ज AQI। हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर भड़के छात्र, हॉस्टल में साथी को जमकर पीटा। अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, 2 पुराने लड़ाकू विमान हवा में टकराकर हुए क्रैश, 6 लोगों की मौत की आशंका। ट्रंप की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, डेमोक्रेट्स का सीनेट पर अगले 2 साल बना रहेगा कब्जा। इमरान खान ने पीएम शहबाज पर साधा निशाना, कहा लंदन में हो रहा अगले पाक सेना प्रमुख पर फैसला। चिली के बायोबियो क्षेत्र के पास आया 6.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच आज, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में मुकाबला। 16 साल के भारतीय क्रिकेटर तन्मय मंजुनाथ ने रचा इतिहास, वनडे मैच में खेली 407 रनों की अद्भुत पारी, जड़े 24 छक्के। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इरफान पठान का करारा जवाब, बोले आप दूसरे की तकलीफ से खुश होते हैं। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।